सही 600 इसका। विधि, एनी डाउट बच्चे? सो नो एक्सरसाइज, मैम। ओके बेटा, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 8 वी विल स्टार्ट। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी आर हैविंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। हमें जो है वाई की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। पी मुझे गिवन है 2, -3 एंड क्यू मुझे गिवन है 10, y। सो डिस्टेंस पी क्यू इज गिवन टू बी 10 यूनिट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे पी क्यू, उसको इक्वेट कर देंगे 10 के। तो पी क्यू इज इक्वल टू 10, दिस मीन स्क्वायर रूट ले लेंगे 10 -2, x2 - x1। तो दिस इज 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y यहाँ पे -3 है, -(-) क्या बन जाएगा, +3, एंड दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमने रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करोगे तो यहाँ पे 10 - 2 स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस वाई +3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके वाई में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आप उसको सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ वाई। 100 को हम इधर ले आएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, 64 प्लस 93 दैट इज 73 -100 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई -27 इज इक्वल टू 0। अब सम चाहिए 6, प्रोडक्ट चाहिए -27, क्या फैक्टर्स बनेंगे? सम 6 प्रोडक्ट 27, प्रोडक्ट नेगेटिव है, इट मींस डिफरेंस ऑफ नंबर्स शुड बी 6, यस 3 एंड 9। सो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6 इंटू वाई। ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, यू कैन राइट डाउन वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई -6 वाई -27 इक्वल टू 0। अब दो दो करके ले लेंगे हम इनको, सो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई, में से आप वाई कॉमन ले लोगे तो दिस इज वाई प्लस 9, यहाँ पे 3 है, हेयर इट इज 3। सो -3 कॉमन ले लोगे तो वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 9 आप कॉमन ले लोगे इंटू वाई -3 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 या वाई -3 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू -9। तो आपका जो वाई है यानी कि जो क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे दैट कैन बी 10, -9 और 10, 8। इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट ये जो आपके 4 क्वेश्चन हैं 7, 8, 9, 10, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन था फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस पी क्यू इज 10 यूनिट। पी हमें गिवन है 2, -3, क्यू हमें गिवन है 10, 5। हमने ले लिया पी क्यू इक्वल टू 10, डिस्टेंस पी क्यू आप निकालोगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो 10 - 2 आपका 8 आ गया, 8 स्क्वायर प्लस y+3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। यहाँ पे आपने a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a² + b² + 2ab, 8 स्क्वायर 64 एज इट इज आ गया, 10 स्क्वायर 100। अब सभी टर्म्स हमने एक तरफ रख ली, ये वाई में हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, मिडल टर्म हमने स्प्लिट की तो हमारे पास वाई की वैल्यूज आ गई -9 एंड 3। तो यहाँ उन्होंने सिंपली वाई की वैल्यू ही निकालने को कहा था, तो यू विल गिव योर आंसर एज वाई इज इक्वल टू -9 एंड y = 3। सो दिस इज योर आंसर। Now moving on to question number 9. If any child is having any doubt in this, you can ask the doubt.
आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बच्चे नोट डाउन हो गया नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इफ क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर अब क्यू जो है वो हमें इक्विडिस्टेंट गिवन है पी और आर से इसमें जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं आपने वो मिस्टेक नहीं करनी है क्यू इक्विडिस्टेंट जब भी हमें गिवन है कि एक पॉइंट दूसरे दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है तो इट डजंट मीन कि वो उसका मिड पॉइंट गिवन है क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर यानी कि क्यू पी जो है दैट इज इक्वल टू क्यू आर इसको आप ऐसे लेके नहीं चलोगे अदरवाइज योर सम विल बी रॉन्ग क्योंकि मुझे ये नहीं गिवन कि क्यू मिड पॉइंट है पी आर का क्यू इक्विडिस्टेंट है तो जरूरी नहीं है वो ऐसे होगा इट कैन बी अ पॉइंट लाइक दिस आल्सो तो क्यू पी आर आपने स्ट्रेट लाइन में नहीं लेने हैं अदरवाइज आपका क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा अब क्यू के जो कोऑर्डिनेट गिवन है दैट आर गिवन टू बी 0, 1 P is 5, -3 and R मुझे given है x, 6 find the coordinates of x Q equidistant यानी कि PQ is equal to QR so as Q is equidistant from P and R therefore QP is equal to QR. So, इनकी values put कर लेंगे distance formula लगा के QP जब आप लोगे that is 5 - 0 whole square plus -3 - 1 whole square और QR जब आप लेके चलोगे तो that is x - 0 whole square plus 6 - 1 whole square. अब taking square root taking squaring both sides root हटाना है हमने 5 - 0 is 5 square and this is -4 square is equal to x² + 5 square. अब you can see clearly कि 5 square आपका equal to के दोनों sides पे same sign के साथ है तो 25 25 ये आपका cancel out हो गया क्या रह गया 6 is equal to x² यानी कि x = +-4 taking square root on both sides x = +-4 यहाँ ये ध्यान देना है आपने कि प्लस और माइनस के दोनों साइंस आपने लेके चले तो आपका जो ये x पॉइंट है दैट कैन बी 4, 6 और -4, -6 उसके बाद उसने क्या कहा फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर तो क्यू आर डिस्टेंस निकालना है और पी आर डिस्टेंस निकालना क्यू और आर जब आप लेके चलोगे आर आपका एक बार 4, 6 या -4, 6 लेके चलोगे तो जब आप क्यू आर के लिए लेके चलोगे तो दिस इज x - 0 + 6 - 1 whole square या -4, -0 and 6 - 1 whole square ये x = 4 के लिए लिया x = -4 के लिए लिया यू विल सी फ्रॉम हेयर क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है सेम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बोथ ऑफ दीज वैल्यूज विल बी सेम तो ये आ जाएगा आपका 4 - 0 whole square + 6 - 1 whole square और -4 - 0 whole square + 6 - 1 whole square फाइंड द वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर कितना आएगा 4 square 16, 5 square 25 so this is √41 यहाँ पे भी सेम वे में this is √41 इसी तरीके से आप पी आर निकाल लोगे एक बार प्लस 4 के साथ और एक बार -4 के साथ तो पी आर यू विल कैलकुलेट योर सेल्फ एक बार प्लस 4 के साथ और एक बार -4 के साथ So this question you will complete yourself. Now moving on to question number 10. Again, this is an important question. Ab question number 10 mein wo keh raha hai ki find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4. Same figure banegi. x
एक्स वाई का डिस्टेंस हमें गिवन है कि एक रिलेशन निकालना है हमें एक्स और वाई के बीच में. इफ दिस पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम -3.4 एंड 3.6. अब इक्वी डिस्टेंट है यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर. सेम इसी तरीके से यहाँ लिख के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ एंड यू विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. पी क्यू क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. ये आ गया आपका, इसको मैंने एक्स टू वाई टू ले लिया, इसको एक्स वन वाई वन ले लिया, तो एक्स माइनस की जगह प्लस आ जाएगा. एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर. अब मुझे लेके चलना है तो क्यू आर इज दिस x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर. अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर. अब इनको सिंप्लीफाई करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज लगा के. यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. यहाँ पे भी ए माइनस बी लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए. अब इनमें जो कटिंग्स हो रही हैं उनको कट कर दो तो यू विल गेट योर आंसर. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट करो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे विद सेम साइंस हैं तो इनको आप कैंसिल आउट कर दोगे. तो एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव थे, इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे ये कैंसिल आउट हो गए. वाई स्क्वायर पॉजिटिव इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे है तो कैंसिल आउट डायरेक्टली आप कर सकते हो. प्लस नाइन कैंसल आउट कर दिया एंड देन सभी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ. सो दिस इज 6x प्लस 16 माइनस 8y. ये तीन टर्म्स मेरी ऑलरेडी इधर थी और इधर से ये तीन टर्म्स मैं इधर ले आऊंगी, साइंस इनके चेंज हो जाएंगे. दिस विल बिकम 6x माइनस 36 प्लस 12y इक्वल टू जी. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6x प्लस 6x इज 12x माइनस 8y प्लस 12y इज 4y प्लस 16 माइनस 16 इज माइनस 20 इक्वल टू 0. 12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. अब आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, 4 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 को भी डिवाइड कर रहा है, माइनस 20 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया. दिस इज 3x प्लस y माइनस 5 is equal to 0. 4 इधर आके डिवाइड करेगा तो 0 अपॉन 4 is 0, यानी कि we will be having 3x plus y minus 5 is equal to 0. 3x plus y minus 5 is equal to 0. So this is the relationship between x and y. X और y में ये relation है such that the point x comma y is equidistant from 3, 6 and minus 3.4. हमने simply क्या किया, q p को equate कर दिया q r के. तो इस तरह का question आपका आ सकता है जहाँ पे ये equidistant given होगा या दो points के बीच में distance given होगा, जैसे question number 9 में given था. So this was your exercise 7.1. If any doubt is there, you can ask. Otherwise, I am starting with exercise 7.2. Usme hamara section formula use hona hai. So let us see ki ye aapka formula hai kya. Ye ho gaya na aapka?
सेक्शन फॉर्मूला ध्यान से करना है आपने। इसमें हमें क्या गिवन होता है कि कोई एक लाइन सेगमेंट गिवन है मुझे, मान लो पी क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे एक्स वन वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे एक्स टू वाई टू, और एक पॉइंट मुझे आर गिवन है जो इसको रेशियो एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आई हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने। तो लेट अस सपोज कि आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यूज मुझे निकालनी है। ये वैल्यूज क्या कैसे निकालोगे आप, x इज इक्वल टू, जब हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x वाले कोऑर्डिनेट के साथ डील करेंगे, जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट के साथ डील करोगे। तो आपने लेके चलना है पहले m रेशियो n को x1 x2 के साथ, जब आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है m x2 एंड n x1। जब आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो आपने x कोऑर्डिनेट को ही लेके चलना है और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो एम प्लस एन। जब वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट के साथ डील करोगे, क्या आ जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट आर इज डिवाइडिंग पी क्यू इन द रेशियो एम रेशियो एन, तो आपके पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे। इसका प्रूफ जो है हमने नहीं करना है, सो वी आर सिंपली टू रिमेंबर दिस, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एम एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अब यहाँ एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आर के कोऑर्डिनेट हैं तो ये लिखे इस तरीके से, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है ये आपका, कि उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सेक्शंस में ये डिवाइड कर रहा है। उसके बाद इसी का एक स्पेशल केस आता है, व्हेन जो आपको गिवन पॉइंट है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट, लाइन सेगमेंट को वो मिड पॉइंट है उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आपका फॉर्मूला उस टाइम पे चेंज हो जाता है, कैसे चेंज होगा देखो, अब जब ये मिड पॉइंट है तो इट मींस ये इसको वन रेशियो वन में डिवाइड करेगा, बोथ ऑफ दीज विल बी इक्वल पार्ट। तो वन रेशियो वन में जब आप अगेन इसको x1 y1 और x2 y2 के साथ लेके चलोगे तो व्हाट इट विल बी, वन इंटू एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स वन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एम और एन की वैल्यू आप वन पुट कर दोगे यहाँ पे, तो वन इंटू एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स वन, यानी कि x के कोऑर्डिनेट आ गए x2 प्लस x1, या यू कैन राइट ऑन x1 प्लस x2 आल्सो बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो m plus n, here ratio is 1 ratio 1, so this is 2, और y coordinate आपका क्या आ जाएगा, same way में y2 plus y1 by 2, so coordinates of midpoint आप direct निकाल लोगे, x coordinate के लिए उसके x coordinates को add करो by 2, y coordinates के लिए उसके y coordinates को add करो and by 2, this is the midpoint formula। स्पेशल केस है ये सेक्शन फॉर्मूला का, तो दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। अब ये था कि अगर जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है दैट इज डिवाइडिंग इट इंटरनली, अंदर की तरफ है, सेम वे में आपका ये पॉइंट जो है दैट कैन बी डिवाइड इट एक्सटर्नली ऑल्सो, पी क्यू को आर जो है वो एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है। इस केस में हम क्या करते हैं, आर को अंदर की तरफ ले आते हैं, नेगेटिव साइड पे ले आते हैं, तो जो रेशियो हमारी एम रेशियो एन की
वो क्या बन जाती है, एम रेशो माइनस। अब आगे सेक्शन फॉर्मूला लगा लोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस एन है तो यहाँ आपका चारों जगह पे माइनस आ जाएगा। तो जब आप एक्सटर्नली लेके चलोगे कि अ पॉइंट इज डिवाइडिंग अ गिवन लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली, तो आपने यहाँ पे जो रेशियो है सेकंड वाला उसके आगे नेगेटिव साइन लगाया है, तो यू विल गेट योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चंस करेंगे अब एक्सरसाइज 7.2 के। इसमें आपका सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होना है या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका यूज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3। दिस इज -1, 7 and 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो लेट पी एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। अब P के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आई विल फाइंड आउट यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख रही हूँ X और Y। X कोऑर्डिनेट के लिए पहले X कोऑर्डिनेट्स के साथ डील करेंगे, तो 2 × 4, 3 × -1। सो दिस इज 2 × 4, फिर प्लस का साइन, then 3 × -1 upon में sum of ratio। यहाँ पे भी इसी तरीके से आप y coordinates के साथ इसको ले लोगे, तो 2 × -3, 3 × 7 and again upon में sum of ratio। so this simplify कर लोगे, 8 − 3/5 and this is -6 + 10/5। So this is 5/5, that is 1, and this is 4/5. So coordinates आ गए हमारे पास 1 and 4/5। हम -6 + 21 होगा। हाँ जी। -6 + 21। अच्छा समझ नहीं आई मुझे। मैम आपने मल्टीप्लाई गलत किया, 3 × 7 = 21 होगा। Yes, this is 20. मैं -6 + 21/5 आएगा। 21. So this is 15/5, this is 3. मैंने उनको ऐड कर दिया था, we are to multiply them. So this is -6 + 21/5, that is 15/5, so that is 3. So coordinates of point dividing this in the ratio 2:3 are 1, 3. Coordinates of P are 1, 3. So if any doubt is there in this question, you can ask. Now moving on to question number 2, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 − 1 and -2, -3. ये ध्यान से समझना। Trisection का meaning क्या होता है? What do you mean by trisection? Tri means three. I'm so dividing into three equal parts. Dividing it into three equal parts. So, अब मुझे क्या निकालना है? Coordinates given है 4, -1 and -2, -3. मैं ये graphically plot नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे negative वाला इधर आ रहा है, positive वाला इधर आ रहा है। अगर आप graphically इनको plot करोगे, तो ये points आपके ऐसे straight line पे नहीं आएंगे। We are just to draw the rough picture. अब I have to find out the coordinates of the point of trisection of the line segment. So trisection जब भी word आ जाता है आपका, so you are having 2 ratio, एक point P, एक point Q. मैं अलग अलग figure बना देती हूँ, या तो 1 part इधर होगा, 2 parts इधर होंगे, या फिर 2 parts आपके इधर होंगे और 1 part जो है वो आपका इधर होगा। So we are to find the coordinates of point P as well as point Q. Trisection में वो further आपका 2 parts बन जाएंगे। एक में आप ratio 1:2 ले लोगे, यानी कि 1 part इधर, 2 parts इधर,
दूसरे में आप रेशियो 2:1 ले लोगे, 2 पार्ट्स इधर और 1 पार्ट इधर. सो वी आर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू. पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपको निकालने. सो लेट पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2, 1:2, एंड क्यू डिवाइड ए बी इन द रेशियो 2:1. एक रेशियो आ गई 1:2 और दूसरी आ गई 2:1. नाउ वी आर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू. सेम क्वेश्चन बन गया आपका जैसे फर्स्ट वाला था. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पहले हम निकाल लेते हैं. क्या आएगा यहाँ पे 1 × -2 एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन. तो 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन सम ऑफ रेशियो. यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट के साथ ले लोगे 1 × इधर वाई 2 × इधर वाई 1. तो 1 × -3 प्लस 2 × -1 अप॑ॉन में 1 + 2. सो दिस इज -2 + 8 अपॉन 3, दैट इज 5/3. और ये आ जाएगा आपका -3 - 2 / 3. सो दिस इज -5/3. दिस इज 6/3. 6/3 आ गया आपका 2. कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चे एक बार. सो दिस इज 2 - -5/3. अब इसी तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकाल लोगे. ये 4 - 1 हो गया और ये -2 - 3 हो गया. तो 2 × -2 1 × 4. अपॉन में 2 + 1 = 3 और y कोऑर्डिनेट 2 × -3 -6 - 1 अपॉन 3. तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -4 + 4 0/3, दैट इज 0. एंड दिस इज -7/3. कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना. सो आपके पास ये पॉइंट्स आ गए P एंड Q, यानी कि दिस इज डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट. इधर रेशियो 1:2 और 2:1. सो योर आंसर 2, -5/3 एंड 0, -7/3. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2. If any doubt is there in this question, you can ask. Otherwise, we are moving on to third question now. Still, we are having 6-7 minutes, so we can finish this question also. To conduct the sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD. अब यहाँ पे ये ground हमें given है. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. Lines जो हैं ये 1 meter के distance पे जो हैं draw की गई हैं. So 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. AD के along जो है ये आपको given है कि 100 flower pots जो हैं वो रखे गए हैं. तो इट मींस कि ये 1-1 के गैप पे आपका वाई एक्सिस बना रहा है और ये 1-1 के गैप पे एक्स एक्सिस बन रहा है. तो अब हमें आगे वो क्या कह रहे हैं कि एज शोन इन द फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग. प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग. If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? So, अब आपको अगर हम कहें तो एक ग्राफ गिवन है. आपको पहले जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे
जो फ्लैग वन है फ्लैग टू, और उसके बाद क्योंकि जो थर्ड बच्चा है थर्ड बच्चे को उसके मिड पॉइंट पे जो है प्लॉट करना है, फ्लैग को पोस्ट करना है, तो इट मीन हमें फिर उसका मिड पॉइंट निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लैग वन, देन फ्लैग टू, एंड देन वी आर टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ फ्लैग वन एंड फ्लैग टू. आई होप द स्टेटमेंट इज क्लियर. इफ एनी डाउट इज देयर इन द स्टेटमेंट यू कैन आस्क. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिस्टेंस ए डी, डिस्टेंस ए डी कितना आएगा, कितने फ्लावर पॉट्स लगाए हैं उन्होंने? हाँ जी 100, 1-1 मीटर के गैप पे हैं, तो डिस्टेंस ए डी कितना आ गया आपका 100 मीटर. अब फर्स्ट बच्चा जो है निहारिका, she runs 1/4 of the distance AD on the second line. अब यहाँ ध्यान देने आपने बच्चे कि जो निहारिका है वो second line पे run करेगी, यानी कि ऐसे जाए, और flag कहाँ पे post कर रही है, 1/4 of the distance AD. ये AD है, AD का जब आप 1/4 निकालोगे तो that is 1/4 of 100, that is 25. तो second line पे 25 की सीध में उसने लगाया, तो फ्लैग वन के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पहले वाई कोऑर्डिनेट बाद, तो यहाँ आ जाएगा निहारिका पोस्ट द फ्लैग एट 1/4 ऑफ एडी, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट बनेगा इन द सेकेंड लाइन. सो दिस इज 2.25. AD आपका 100 गिवन है, तो 1/4 ऑफ AD आ गया 25. सेम वे में प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, तो प्रीत कहां पे उसको पोस्ट करेगी, एट्थ लाइन है तो 8.15 ऑफ द डिस्टेंस AD, तो कितना आ जाएगा 8.20. What is the distance between both the flags? So distance between both flags, distance formula लगा दोगे आप यहाँ पे, एट माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज 8 माइनस 2, 6 square 36 and 5 square, so this is root 61 units. कि root 61 के distance पे जो है उन्होंने flags जो है वो post किए. अब हमने बताना है कि जो second बच्चा है यानी कि रश्मि जो है, she has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags. Where should she post her flag? Rashmi should post the flag at the midpoint of flag 1 and 2 at midpoint of flag 1 and flag 2. So, iska aap midpoint nikal loge, yahan dikh rahi hu main, yani ki मिड पॉइंट ऑफ 8.20 एंड 2.25. सो दिस इज इक्वल टू 8 + 2/2. मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2. 8 + 2/2 एंड 20 + 25/2. सो दिस इज 5 and 45/2. यानी कि she should post her flag in the 5th line and 45/2, देखो कितना बन रहा है, 100 का हाफ कितना पोर्शन बनेगा. हाँ जी 100 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 45/2 आए, so she should post her flag in the 5th line. You can directly write it down.
in the fifth line at a distance of 45 by 2 or 22.5. Okay. So this was your question number 3. If any doubt is there, so you can ask. Rest of the questions we will do tomorrow as the bell has gone. If any doubt is there, you can ask. Otherwise, I am ending the meeting.